Good morning to all of you. Let's start NCERT 8th Maths Chapter 5 Data Handling. अब Data Handling क्या है? इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि Data ही क्या है. जब Data पता होगा तभी हम आगे कर पाएंगे. Data. The information collected in the form of numbers is called data. मतलब numbers की form में जो हम information collect करते हैं उसको data कहा जाता है. For example, runs made by a batsman in the last 5 matches. अब 5 matches में एक batsman ने कितने run बनाए, अलग अलग run बनाए होंगे, तो उस तरह का हमारे पास information अगर हम collect कर लें तो वो data कहलाएगा. इसी तरह से मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन डिफरेंट टेस्ट, वो भी हो सकता है. अलग अलग टेस्ट में स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, कितने मार्क्स स्कोर किए, उस डेटा को कलेक्ट करके हम रिजल्ट की फॉर्म में या कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. अब जब डेटा की बात हो गई तो अब हम चलें 5.1 पर 5.1 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं पहले हमें वो डिस्कस करना होगा. तो उसमें आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ऑर्गेनाइज्ड डाटा एंड ग्रुपिंग डाटा, और उसमें भी आएगा सबसे पहले पिक्टोग्राफ. अब पिक्टोग्राफ क्या है? आपने ये 6th-7th में भी किया है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सिंबल की हेल्प से, यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स की हेल्प से आप क्या करते हो, पिक्चर्स के फॉर्म में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हो पिक्टोग्राफ में. जैसे आप मान लीजिए कोई पिक्टोग्राफ बनाना है और आपके पास गिवन है. क्या गिवन है? जैसे ये देखिए, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ इफ अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड कार्स इन डिफरेंट मंथ्स. हमारे पास 4 months की कार्स दी हुई हैं जो मैन्युफैक्चर हुई, इसका पिक्टोग्राफ बनाना है. अब अप्रैल में क्या हुआ, 400 कार्स मैन्युफैक्चर हुई, और मई में 250 कार्स हुई, और जून में 200 कार्स, एंड जुलाई में 550 कार्स. अब इसका पिक्टोग्राफ बनाना है. अब पिक्टोग्राफ बनाने के लिए अब ऐसा तो नहीं कर सकते, चलो यहाँ ले लीजिए अप्रैल, अब ये तो नहीं है ना कि 400 कार्स हम यहाँ बनाएंगे. तो बेटर क्या है, हम एक कोई भी सिंबल ले लें. ज़रूरी नहीं है हम कार बनाएं, हम कोई भी सिंबल अपने जो भी आपको बनाना आता है वो यूज़ कर सकते हो, या ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो. मान लीजिए आप इस तरह से बना लेते हो व्हील टाइप, ये व्हील हो गया, ये 1 व्हील क्या है, 100 कार्स के इक्वल है. और जब आपने अप्रैल में 400 कार्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब आपको कितने फिगर बनाने पड़ेंगे, 4 फिगर्स बनाने पड़ेंगे. और जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल में 400 कार्स का मैन्युफैक्चर हुआ. अब जब बात आती है मई में 250 कार्स, अब 200 होता तो 2 फिगर्स हैं, लेकिन ये तो 250 कार्स की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम, 2 फिगर्स तो हमें कम्प्लीटली बनाने होंगे, बट ये हमें हाफ बनाना होगा. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट मींस 50 कार्स मई मंथ में मैन्युफैक्चर हुई, जून में 200 कार्स, तो आपको 2 फिगर्स ड्रॉ करने होंगे. जुलाई, जुलाई में है 550 कार्स, तो क्या करना है आपको, 5 फिगर तो आपको कंप्लीटली ड्रॉ करने पड़ेंगे. ये शो कर रहा है 500 कार्स को. जब 50 की बात है तो फिर से हमें हाफ फिगर बनाना होगा इस तरह से. तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक फिगर 100 कार्स के इक्वल है. अब हम ये हटा भी दें तो
तो पता है अप्रैल में 400 कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मई में 250 हो रही हैं, जून में 200 एंड जुलाई में 550 कार्स हो रही हैं। तो इस तरह पिक्टोग्राफ डिफरेंट आएंगे, हम उनको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा में क्या है, जैसे आपके पास जो भी डाटा दिया होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिया होता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा होता है उसको हम कहते हैं रॉ डाटा। जैसे 10 स्टूडेंट से उनका फेवरेट कलर पूछा, तो फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला रेड, नेक्स्ट ने बोला ऑरेंज, नेक्स्ट ने बोला ब्लैक, देन रेड, देन ब्लैक, देन ऑरेंज, इस तरह से बताते चले गए। लेकिन ये कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था, तो क्या करना चाहिए, इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है ही, तभी हम क्या कर पाएंगे, फ्रीक्वेंसी का हमें पता चल पाएगा। और वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, और उसी में हम टैली मार्क्स भी यूज करते हैं। और टैली मार्क्स भी अब बताऊंगी आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है वो भी पता चलेगा आपको क्या होता है। अब जैसे इसी में ही देख लीजिए आप, रेड कितनी बार आया, कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर रेड है, 1 2 3 4, तो ये 4 क्या है, यही 4 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ऑरेंज कितनी बार आया, यहाँ पर भी ये रेड है, ये लिखा गया है बाय चांस ब्लैक से, लेकिन ये भी रेड है, इट मींस ये भी क्या है, ब्लैक, ब्लैक से लिखा हुआ है चाहे, लेकिन रेड है तो 5 टाइम्स हो जाएगा। या मैं कर देती हूँ रेड, तो इट मींस 5 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर रेड है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, टेबल बनानी है तो इस तरह से बना सकते हो आप। सबसे पहले हम लिखेंगे कलर्स, कौन कौन से कलर हैं, रेड, आप इसको रेड कलर से भी लिख सकते हो, उससे क्या होता है आपको जल्दी से पता चल जाता है। नेक्स्ट है ऑरेंज, नेक्स्ट है ब्लैक। अब हम बात करेंगे टैली मार्क्स की और फ्रीक्वेंसी की। यहां पर आप चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दें, चाहे आप इसको फ्रीक्वेंसी कह दें। देखिए रेड है 4 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर, तो इस 4 को आप कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5, अगेन गलत हो गया ना, ये ध्यान रखना है आपको, रेड है ये तो इट मींस 5 है। अब 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4, 4 तक तो आप इस तरह से टैली मार्क्स को शो करते हैं, जब 5 करना होता है तो हम इस तरह से तिरछी लाइन लगा देते हैं। और अगर आगे 6 है तो फिर उसी तरह से 6 7 8 9, अगेन 10 के लिए हमें इस तरह से लाइन लगानी होगी, ये टैली मार्क्स होता है। आगे है ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए कितने ऑरेंज हैं, 2 ऑरेंज हैं, यानी 2 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर ऑरेंज है, तो 1 2 टैली मार्क्स ऐसे होगा। अब ब्लैक की बात आती है, तो ब्लैक कितने बच्चों का है, ये कितने स्टूडेंट्स का है, 1 2 3 3 स्टूडेंट्स का है, तो 1 2 3 इस तरह से टैली मार्क्स बता देंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। अब
अब आपको टैली मार्क्स के लिए भी पता चल गया है कि टैली मार्क्स क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी पता चल गया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? अ टेबल ऐसी टेबल शोइंग एंट्रीज विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, सामने फ्रीक्वेंसी ही दिखाए तो वो क्या कहती है, क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं डेटा को। यहाँ उल्टा पुल्टा था, ऑर्गेनाइज वे में नहीं था, रॉ डेटा था, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस तरह से दे दें तो जल्दी से पता चल जाएगा हमें रेड कलर में क्या है, 5 स्टूडेंट्स को पसंद है, और ऑरेंज 2 को, और ब्लैक जो है वो 3 स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, उनका फेवरेट कलर है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्रुपिंग डेटा। अब जो हमने पहले किया उसमें तो ग्रुप्स बनाने की नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 10 ही स्टूडेंट से हमने उनका फेवरेट कलर पूछा तो वहीं से ही बहुत जल्दी से पता चल गया, हम काउंट कर सकते थे, उनका लिखा गया। लेकिन कब ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं? जब गिवन डेटा लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे हमें कन्वीनियंट लगे तब हम बनाएंगे उसको। देखिए अब ये 50 में से मार्क्स हैं, हमें कन्वीनियंट क्या लग रहा है? देखो 5 मार्क्स भी हैं, 45 भी हैं, 50 भी हैं, 29 भी हैं, 10 भी हैं। तो इट मींस ऐसा है कि 0 टू 10 भी हैं, 10 टू 20 भी हैं, और 20 टू 30 भी हैं, 30 टू 40 भी हैं, और 40 टू 50 भी हैं। तो यही हमें कन्वीनियंट रहेगा कि अगर हम इसी तरह से उसको बना लें तो उससे इजी भी हो जाएगा और हमारा काम सोल्व हो जाएगा। ये होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कैसे बनाएंगे देखिए, पहले हमें ग्रुप बनाना होगा। सबसे पहले ग्रुप्स, आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं तो 0 टू 10 मार्क्स भी हैं कुछ स्टूडेंट्स के, फिर 10 टू 20 भी हैं, 20 टू 30 भी हैं, 30 टू 40 भी हैं, और 40 टू 50 भी हैं। ये तो हो गए हमारे ग्रुप्स। उसके बाद आपको जैसे पहले आपने ग्रुपिंग की थी लेकिन हमारे पास लार्ज डाटा नहीं था तो वैसे ही हो गया था, तो अब भी आपको टैली मार्क्स बनाने हैं। उसमें भी टैली मार्क्स बनाए थे, इसमें भी आपको टैली मार्क्स बनाने, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं 0 टू 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 0 टू 10 देखते हैं। अब 10 को आपने कहाँ काउंट करना है? 0 टू 10 में, उसको 10 टू 20 में काउंट नहीं करना, ये खास ध्यान रखेंगे। तो 1, 2 ही स्टूडेंट्स के 0 टू 10 मार्क्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2। टैली मार्क्स में भी आप इसी तरह से लगा देंगे 1, 2। देन 10 टू 20 कितने हैं? और कलर यूज कर लेते हैं या कोई और सिंबल यूज कर सकते हो आप। 10 टू 20, 16, 15, 18। 3 स्टूडेंट्स के 10 टू 20 के बीच में मार्क्स हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट
20 to 30, 21, 30, 22, 29, 29. तो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से 30 के बीच में है. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ 30 to 40. 30 to 40 देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 30 to 40. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नाउ 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स के हैं? वैसे तो हमें यहीं से ही पता चल जाना चाहिए, पर हम फिर भी काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4. 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 to 50 के बीच में हैं. 1, 2, 3, 4. अब हमें इनको काउंट कर लेना चाहिए. थे हमारे पास 20 स्टूडेंट्स. क्या ये आ रहा है 20 स्टूडेंट्स? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 2 and 3, 5, 5 and 5, 10, 10 and 6, 16 and 4, 20. तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें पता चल गए हैं. अब ये तो क्या था, मार्क्स दिए हुए हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. पता ही नहीं चल रहा कि कितने बच्चे कैसे हैं. या एक क्लास में ही हम देखना चाहें किस तरह की क्लास है, तो जब हमारे पास ये टेबल आ जाएगी हम एक सेकंड में बता सकते हैं कि किस तरह की क्लास है. जैसे अब 40 to 50 भी 4 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 भी 6 हैं. इट मीन्स एवरेज क्लास है, क्योंकि 0 to 10 2 स्टूडेंट्स हैं. इट मीन्स इतने बच्चे तो होते ही हैं वीक. अब चलते हैं आगे. अब नेक्स्ट है बार ग्राफ. अब बार ग्राफ क्या है? अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो है, तब हमने पिक्टोग्राफ में क्या बनाया, पिक्चर्स बनाई. बट इसमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल्स की फॉर्म में न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना है, और उनकी विड्थ इक्वल रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है. लेकिन उनकी हाइट्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ. तो एक मैं आपको दिखाऊंगी एग्जांपल, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बार ग्राफ बनाते हैं. थोड़ा सा बता भी दूं पहले मैं आपको कि बार ग्राफ कहते किसे हैं. इसमें हमें क्या लेना होता है, सबसे पहले टेक ए ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस. टू परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है आपको. ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. इसको आप ओ एक्स कह सकते हो और इसको आप ओ वाई कह सकते हो. ये जीरो को भी रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद आप जो ओ एक्स पर लोगे, यानी एक्स एक्सिस पर लोगे, वो अलग से आपने उसका स्केल लेना है, और वाई एक्सिस पर आपने अलग से स्केल लेना है. सूटेबल स्केल लेना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक जैसा स्केल लें. तो अलग से भी ले सकते हो, एक जैसा भी ले सकते हो. सूटेबल होना चाहिए और इजी लगना चाहिए आपको, कि जिससे आप उसको बना सकें. तो किस तरह से हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी. देखिए, ये है हमारे पास एक स्टेटमेंट, ड्रॉ अ बार ग्राफ इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब हम जो बार ग्राफ बनाने वाले हैं 2017-18 का, एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं ये, कि उसके 17-18 में कितने मार्क्स आए हैं. इसको अभी आप भूल जाइए, ये हम बाद में बात करेंगे डबल बार ग्राफ के टाइम. अब ये बात कर रहे हैं हम 17-18 में उसके मार्क्स इंग्लिश में थे 75,
हिंदी में 80, मैथ्स में 90, एसएस में 85 एंड जीएससी में 72। तो हम नीचे क्या लेने वाले हैं, नीचे लेने वाले हैं हम सब्जेक्ट्स। और इधर क्या लिया हमने, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो यहाँ हमारा ये बार ग्राफ बनेगा, इट मींस ये हो गया इंग्लिश को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बार मैथ्स का और नेक्स्ट बार एसएस का और नेक्स्ट बार हमारा जीएससी का। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें डिसाइड कर लेनी है कि एक्स एक्सिस पर हमने सब्जेक्ट्स लिया इंग्लिश हिंदी मैथ्स एसएस एंड जीएससी, और वाई एक्सिस पर हमने मार्क्स ऑब्टेंड लिया। तो सबसे पहले हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमें वाई एक्सिस पर क्या स्केल लेना है, वो अब आपको देखना है कि किस तरह से लेना है। देखो अगर हम ये लें कि 1, 2, 3 तो कहाँ जाएगा 75 और 90 एंड 100, लेकिन अगर हम ऐसा ले लें कि 1 unit length is equal to 10 marks, सेकेंड 20 हो गया, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 60, देन 70, देन 80, देन 90। इट मीन्स यहाँ आप शो कर सकते हो 1 unit length ऑन एक्स एक्सिस। इज इक्वल टू 10 marks। अब हमें इंग्लिश में 75 marks शो करने हैं। ये रहा 70, इट मीन्स आप छोटी वाली लाइन्स 1, 2, 3, 4, 5 ये थोड़ी आपको डार्क मिलेगी आपके ग्राफ में, थोड़ी सी फिफ्थ लाइन जो होती है वो डार्क होती है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल की फॉर्म में देना है तो इसको इस तरह से शो करना है। ये हो गया हमारा 75, ये बार होता है या रेक्टेंगल जिसको आप कह सकते हो। अब हमें जो यहाँ डिस्टेंस लेना है वो इक्वल लेना है, और जो इधर लिया हमने उसको आपने वेरियस होंगी क्योंकि अलग अलग मार्क्स हैं। अब जैसे हिंदी के हैं, हिंदी के मार्क्स हैं 80, इट मीन्स ये यहाँ तक जाएगी इसकी लेंथ, नेक्स्ट बार हो गया हमारा 80। नेक्स्ट है मैथ्स 90, नेक्स्ट है 85, 80 और 90 के बिल्कुल बीच में फिर वही 5 lines काउंट करनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ बार बनेगा, ये एसएस का है, ये हो गया 85। नेक्स्ट है जीएससी 72, अब ये है 70, इसके आगे आपको 2 lines काउंट करनी होंगी और ये हो जाएगा 72। यहाँ भी स्केल यूज कर लें ताकि मिस्टेक ना हो। ये हमारा बन गया बार ग्राफ, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। आप इन बार में चाहो तो अपने सब्जेक्ट्स या जो भी गिवन डेटा है या जो भी दिया हुआ है आपको, ज़रूरी नहीं है ना सब्जेक्ट्स हों, तो वो आप लिख सकते हो। अब देखिए ये ना भी हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 75, हिंदी में 80 और मैथ्स में 90, और यहाँ पर हैं 85 एसएस में
और जीएससी में 72। तो ग्राफ्स का फायदा भी यही है कि जैसे ही हमने पिक्चर देखी हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि क्या पोजीशन है। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डबल बार, दो बार हो जाएं, डबल बार हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, डबल बार ग्राफ। मींस अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इकट्ठे दिखाएं, इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा। कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है। कैसे कंपैरिजन हो जाएगा वो अब आप देख पाएंगे। जैसे आपके सामने अभी ये क्वेश्चन था, इसी में हमने क्या किया था, बार ग्राफ किया था। अब हम 18-19 को भी यूज करते हुए डबल बार ग्राफ बनाएंगे। बाकी सभी चीजें आपने वैसा ही करनी है, उसमें कुछ अलग नहीं है। जल्दी से बता देती हूँ जो पहले आप कर चुके हो। सबसे पहले एक्स एक्सिस इधर आपको लेनी है, वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस, ओ या जीरो, ये है आपका इंग्लिश। हिंदी, उसके बाद मैथ्स, देन एसएससी, उसके बाद जीएससी। अब ये बार इस तरह से नहीं बनने हैं, इट मींस डबल बार स्पेस चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरह से पहले ही ले लेंगे इसका मतलब हमारी एक्स एक्सिस ज़्यादा चाहिए। अब देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश का हमको यहाँ पे भी दिखाना है, यहाँ पे भी दिखाना है, तो इसका मतलब इंग्लिश में देखो पहले यहाँ पे क्या आने वाला है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। बाय अ स्टूडेंट कौन कौन से मार्क्स हैं, जैसे इंग्लिश में है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ही हैं, इससे ज़्यादा लेने की नीड नहीं है हमको। तो फर्स्ट आपके हैं 75, तो आपने पहले ही किया है, तो ये आ गया आपका 75। लेकिन 18-19 में उसके आ गए 85, तो यहीं पे ही आप बनाएंगे साथ ही एक और बार 85 को रिप्रेजेंट करता हुआ। ये है 2017-18 और ये है 2018-19 के मार्क्स, और ये हो गया आपका इंग्लिश के मार्क्स। बजाय हम नीचे ये लिखें बेटर है, ये दोनों बार्स इंग्लिश के हैं, ऐसे समझना है इसको। उसके बाद हिंदी 80 मार्क्स हैं, फिर है 85, तो एक और बार इसी के साथ बन जाएगा 85 को रिप्रेजेंट करता हुआ। ये है 2017-18 का और ये है 2018-19 का, और ये आप हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों बार्स हैं हिंदी के। नेक्स्ट है मैथ्स, मैथ्स में है 90 मार्क्स, फिर हो गए कम मार्क्स 80, तो वो आप ऐसे शो करेंगे। एसएस में है 95,
सॉरी 85, 85 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी है 85, दोनों एट पार रहेंगे, जो बार हैं दोनों ही एट पार हो जाएंगे। नेक्स्ट है 72, ये अब एक्स एक्सिस आपने यहाँ शो करनी है, ये है 72, ये 70 है, देन टू छोटी लाइंस यहाँ ले लोगे, और नेक्स्ट है 70, ये डबल बार ग्राफ हो गया, ये 17 18, देन 18 19, दिस इज ऑल्सो 2017 18, देन 18 19, 17 18, और ये रहा 18 19, और ये है मैथ्स में मार्क्स, और ये हैं एसएस, और ये हैं जीएससी। अब देखिए कैसे इसका कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन देखते ही पता चल जाएगा कैसे करना है। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए द परफॉर्मेंस ऑफ, या यूं कह लीजिए इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हमें जल्दी से क्या देखना है, यहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, यहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में हुई है, यहाँ 5 मार्क्स की, यहाँ साफ पता चल रहा है 10 मार्क्स की, तो क्या कहेंगे हम, इंग्लिश। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, तो दिख रहा है एसएससी, तो इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह जल्दी से आपका कंपेरिजन डबल बार ग्राफ से समझ में आ जाता है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है देखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विद नो गैप बिटवीन द बार्स, जब बार्स के बीच में कोई भी गैप ना हो, क्लास इंटरवल में भी गैप नहीं होगा और बार्स के बीच में भी गैप नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। देखते हैं अब हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। ये है हमारे पास एक सम, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल पहले भी बनाई है, उसका भी आप हिस्टोग्राम बना सकते थे, लेकिन ये मैंने अलग से ले लिया ताकि आपको पता चल जाए कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने वैसा ही लेना है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस, और इधर देना है वाई एक्सिस। ये आपको सबसे पहले दे देना चाहिए। अब 0 to 10, इट मीन्स 10 ये आ जाएगा, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 50 तक की हैं, हमें और ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप लिख देंगे क्लास इंटरवल। और इधर आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये है क्या, मार्क्स ऑब्टेंड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मैथ्स के टेस्ट में 40 स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स रहे, 0 टू 10 2 स्टूडेंट्स के हैं, 10 टू 20 8 स्टूडेंट्स के हैं। तो अब हम कैसे शो करेंगे 0 टू 10 2 स्टूडेंट्स के, तो हमें फ्रीक्वेंसी अभी जो वाई एक्सिस पर स्केल है वो आपको अपने आप लेना है, 1 unit length on y-axis,
आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखना होगा. देखो टू से सभी डिविजिबल हैं, तो अगर हम टू टू ही ले लें एक यूनिट पर तो इजीली कर पाएंगे. टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन, फोर्टीन तक की हमें नीड है तो ये चल जाएगा. लेकिन ये बात हुई y एक्सेस पर हमने क्या लिया है, सेम डिस्टेंस लिया है. अगर हमें अलग से डिस्टेंस, सपोज हम शुरू से ही फोर ले लें फिर टू टू का गैप ले लें तो वो गलत हो जाएगा. ऐसे में हमारे पास एक और ऑप्शन है, चाहे वो x एक्सेस पर हो चाहे y एक्सेस पर हो, जब हम जीरो से लेकर सपोज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 600 की और यहाँ बात कर रही हूँ 700 देन 800. अब ये गैप 100 का है लेकिन यहाँ 600 का गैप है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन बनानी होगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी. इस तरह से लाइन बन जाएगी और आप इसको आगे ले जाएंगे. ये एक्स एक्सिस पर मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ. ये है आपकी ब्रोकन लाइन जिसको आप किंक भी कहते हो, जिसको आप जेड लाइन भी कह देते हो. तो ये यूज तब करनी है जब आप यहाँ पर डिफरेंस अलग लेते हो और बाकी सभी जगह सेम डिस्टेंस होता है, तो ये तब यूज करना है आपको. अब नेक्स्ट है, यही हम कर रहे थे, अब हमें टू शो करना है तो ऐसे करना होगा. बनाने बार ही हैं हमें हिस्टोग्राम में भी, लेकिन वो साथ साथ बनते चले जाएंगे, गैप ही नहीं आएगा. नेक्स्ट है एट. जैसे डबल बार ग्राफ में तो हमने दो ही बार ग्राफ इकट्ठे बनाए थे, उसके बाद बीच में हमने गैप दिया था, अब गैप नहीं देना आपको. 20 to 30 कितने हैं, फोर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये रहा फोर. तो इट मींस आपका बार यहीं तक बन जाएगा. उसके बाद 12, उसके बाद 14, देखिए 0 to 10 है 2 और 10 to 20 है 8, 20 to 30 4 एंड 30 to 40 12 एंड 40 to 50 मार्क्स हैं 14 स्टूडेंट्स के, और ये हो गए हमारे 40 स्टूडेंट्स. तो ये होता है हिस्टोग्राम जब क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हो. ये खास ध्यान रखेंगे, हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल होंगे ही होंगे तभी पॉसिबल है हिस्टोग्राम बनाना. तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है, ना दी हुई हो तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे फिर उसके बाद आप हिस्टोग्राम बनाएंगे. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में अपनी नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन इनमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.